नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि रेलवे का तत्काल टिकट कैसे बुक होता है और मैं अभी आपको लाइव एक टिकट बुक करके दिखाने वाला हूं बिना किसी कंप्यूटर और लैपटॉप के। मैं मोबाइल से ही आपको टिकट कैसे बुक करना है वो सब दिखाने वाला हूं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास पहले से है तो आपको उसे ओपन करके लॉगिन करना है। लेकिन दोस्तों, आपका लॉगिन तभी होगा जब आपने IRCTC में अपना अकाउंट ओपन किया है। तो अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट इस पर नहीं बनाया तो पहले तो आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। इस पर पहले ही हमने एक वीडियो बना रखा है जो आपको अभी ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, अब जैसे ही लॉगिन हो जाए आपको सबसे पहले यहाँ नीचे माय अकाउंट वाले ऑप्शन में जाना है और अब यहाँ माय मास्टर लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपको ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ आपको उस पैसेंजर की सारी डिटेल्स भरनी है जिसका आप टिकट बुक करना चाहते हैं। अगर आप अपने खुद के लिए ही बुक कर रहे हैं तो आप अपनी सारी डिटेल्स यहाँ भर दीजिए। यहाँ पैसेंजर टाइप नॉर्मल, फिर यहाँ अपना नाम लिखें, फिर नीचे जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो चूज़ कर लें। फिर अगर आपको सीट का कोई बर्थ प्रेफरेंस डालना हो, जैसे कि अपर लोअर वगैरह, तो वो पसंद कर लीजिए। फिर मील प्रेफरेंस डाल दें। उसके बाद आपको नीचे कोई अपना ID सिलेक्ट करना होगा, तो मैं अभी उसके लिए अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। अब सारी डिटेल्स भरने के बाद नीचे ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर दीजिए, फिर ये कन्फर्म हो जाएगा। तो अब यहाँ आपकी पैसेंजर डिटेल सेव हो चुकी है और अगर एक से ज़्यादा पैसेंजर है तो सभी का डिटेल्स भी इसी तरह आपको भर देना है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी हम टिकट बुक करवाएंगे तो हर बार पैसेंजर की डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ऑटोमेटिक इसे सिलेक्ट करके अपना टाइम सेव कर पाएंगे और यह डिटेल्स हमेशा इस ऐप में सेव रहेगी। तो अगर आप बाद में भी इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो भी यहाँ पर आकर कर सकते हैं। तो चलिए, अब टिकट बुक करते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ प्लान माय जर्नी पे क्लिक करना है। और दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि अगर आपको AC कोच में तत्काल टिकट करवाना है तो उसका 10 बजे का टाइम है और स्लीपर में अगर करवाना है तो 11 बजे तत्काल टिकट बुकिंग ओपन होगा, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ आपको ट्रेन डिटेल्स डालनी है। आप जहाँ से बैठ रहे हैं उस स्टेशन को यहाँ डालें, फिर यहाँ सामने जहाँ तक जाना है उसे सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ नीचे कोटा में आपको तत्काल सिलेक्ट करना है। अब डिपार्चर डेट में आपको पता ही होगा कि तत्काल टिकट 1 दिन पहले बुक होता है, तो जिस दिन की आपकी ट्रेन है उसके 1 दिन पहले आपको ट्रेन का टिकट बुक करवाना है। और हाँ, ध्यान रहे कि अगर आपकी ट्रेन मान लो कि 27 तारीख की है लेकिन वह ट्रेन 26 तारीख शाम को ही डिपार्चर हो जाती है तो उस ट्रेन की टिकट आपको 25 को ही निकलवानी पड़ेगी। अगर आप 26 को बुक करने जाएंगे तो आपको 28 की टिकट मिलेगी। एक बार एडवांस में आपको पता लगा लेना है कि आपकी ट्रेन किस दिन शुरू होने वाली है। और दोस्तों, ये सारी डिटेल्स आपको 11 बजे से पहले ही डाल देनी है अगर आपको स्लीपर का टिकट करवाना है, और अगर AC का करवाना है तो 10 बजे से पहले ही ये सारी डिटेल्स फिल कर देनी है, क्योंकि हमें बाद में एकदम फटाफट से टिकट करवाना है तो इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। तो दोस्तों, अभी आपको सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देना है। तो अभी यहाँ स्लीपर में अवेलेबल 220 टिकट दिखा रहा है, तो ये अभी खुलेगा नहीं क्योंकि अभी 11 नहीं बजे है, तो ये 11 बजे ही ठीक ओपन होगा, इसीलिए अभी यहाँ ये रेड अक्षर में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अभी 11 बज चुके हैं, तो अभी आपको फटाफट से स्लीपर या 2S जिसमें भी आपकी टिकट करवानी है उसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ नीचे पैसेंजर डिटेल्स पर क्लिक करना है। यहाँ आई एग्री पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पैसेंजर डिटेल्स में आपको ऐड एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपने जिस भी पैसेंजर की डिटेल्स पहले सेव की थी उन सभी पैसेंजर की लिस्ट आपको यहाँ दिख जाएगी, तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ नीचे मोबाइल नंबर अगर आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। फिर नीचे डेस्टिनेशन एड्रेस डालना है, तो आपको जहाँ तक जाना है उस सिटी का एड्रेस और नीचे पिन कोड डाल देना है। और अगर आपको पिन कोड नहीं पता तो आप गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिएगा। फिर आपको कोई भी पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ नीचे पेमेंट मेथड में आपको डेबिट कार्ड या UPI जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं आप उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है।
तो मैं अभी UPI सिलेक्ट कर रहा हूँ। और नीचे ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आप करवाना चाहें तो उसे यस, अगर नहीं करवाना चाहें तो नो पे क्लिक कर दें। अब नीचे रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ नीचे कैप्चा कोड में जो भी दिखा रहा है कोड आपको बिल्कुल वैसा का वैसा ही बाजू में टाइप कर देना है और फिर यहाँ प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। यहाँ ओके कर दें। यहाँ UPI को सिलेक्ट करें तो मैं पेटीएम से पेमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पेटीएम फ़ोन नंबर डालना है, फिर मोबाइल पे आपको एक OTP आएगा, उसे आपको यहाँ डाल देना है। तो मेरा कार्ड जो अभी सेव है वो यहाँ आ चुका है, तो अब यहाँ पे पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पेटीएम ऐप में जाकर पेमेंट रिक्वेस्ट जो भी आई है उसे एक्सेप्ट कर लेना है यहाँ पे के ऊपर क्लिक करके। तो अब मेरा पेमेंट हो चुका है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पैसेंजर डिटेल्स में कि हमारा तत्काल टिकट अभी कंफर्म हो चुका है, जैसे कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान था ये, आप भी किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप या किसी भी एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से मोबाइल से ही अपना तत्काल टिकट घर बैठे बुक करवा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको सब प्रोसेस इसी तरह फटाफट से करना है और ध्यान रहे कि आपके मोबाइल में नेटवर्क अच्छे से आ रहा है, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड अगर आपकी स्लो होगी तो शायद आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर आपको टिकट कंफर्म ना भी मिले। तो यही था पूरा प्रोसेस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट है या कोई भी परेशानी है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें। उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।